हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 7। जैसे कि हम लोग रोज एमएसटी सीरीज प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन एंड आंसर का अपना सेशन होता है, सो आज भी कुछ क्वेश्चन बच्चों के डिस्कस करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। सो आज ये जो है ट्वीट का ट्रेंड है, सो मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूंगा आज जाके ट्वीट करो 8 to 9 PM के बीच में, और किनको टैग करो, सामंत उदय को, सीएमओ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे को, एंड जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द एक्चुअल ऑफिशियल डेट फॉर एडमिट कार्ड रिलीज डेट, बिकॉज और इफ एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है तो देन व्हाट इज द ऑफिशियल न्यू डेट। ओके, और ये बोलो उनको कि डेट जल्दी से जल्दी दे। ये रोज का जो आपका र्यूमर्स आता रहता है और मेंटल डिस्टरबेंस होता है, बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमको रिलीज डेट, एडमिट कार्ड, यदि एग्जाम होने वाली है तो एडमिट कार्ड का रिलीज डेट बता दो, और इफ पोस्टपोन्ड होने वाली है तो ऑफिशियल डेट दे दो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का जो केसेस है, लाइक उनका कोरोना से रिलेटेड केसेस है, कैसे देंगे एग्जाम, सो जस्ट राइट डाउन ऑल्सो कि इस कंडीशन में हम एग्जाम कैसे देंगे, जस्ट गिव सम ऑफिशियल न्यूज। सो आज 8 से 9 बजे के बीच में मास ट्वीट करो, बहुत ज्यादा लोग करोगे तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। सिर्फ गिने चुने कम से कम 10,000 लोग, इतने लोग करेंगे तो उससे नहीं होगा। सब सब एमएसटी सिटी स्टूडेंट एक साथ यूनाइट हो जाओ और ट्वीट करो तो देन कुछ आपको ऑफिशियल न्यूज एटलीस्ट आ जाएगा। ओके, सो ये रोज का कोई बोलेगा कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है, कोई बोलेगा एग्जाम नहीं होने वाला, किसी के ब्लॉग पे पोस्ट आएगा कि सर एग्जाम किसी ने इंटरव्यू में बोला कि पोस्टपोन्ड होने वाला है, किसी ने बोला कि नहीं होने वाला, बट एक ऑफिशियल न्यूज दो हमको, ठीक है। सो जस्ट डू टुडे 8 to 9 PM के बीच में आपका ट्वीट। ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन आए हुए हैं मुझे, सो ज्यादा बड़ा एक नहीं करूंगा। सो पहला क्वेश्चन क्या है, सर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें सर, प्रीवियस ईयर के सॉल्व करना इनफ है क्या, प्लीज हेल्प। इनफ है मतलब मैं क्या करूंगा, यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसके साथ में उसका एनालिसिस करते हो, रिवाइज करते हो, तो आपको 120+ स्कोर आ जाएगा। ओके सर, क्या करना चाहिए अभी से जिसके एक जेन्युइन स्कोर हो जाए। ओके, तो जेन्युइन स्कोर क्या होता है कि आपको जो रिक्वायर्ड कॉलेज है, आपको अच्छी ब्रांच मिले, अच्छा कॉलेज मिले। देखो मेरे अकॉर्डिंग जेन्युइन स्कोर क्या होता है कि आपका 4 साल कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, आपका 4 साल इंजीनियरिंग का अच्छा गुजर जाए, पढ़ाई में आपके कुछ बेस क्लियर रहे, उसके लिए मैं आपका जेन्युइन स्कोर बोलूंगा। आपको जेन्युइन स्कोर होता है 140+ लाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, 140+ लाने के लिए आपको मैथ्स का स्कोर, कुछ भी करो, यदि आपको इंजीनियरिंग करना है तो मैथ्स का स्कोर 80+ रखो ही, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ्स का ओवरऑल सीटी स्कोर भी मैटर करता है, प्लस यदि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हो तो 4 साल आपको मैथ्स ही मैथ्स ज्यादा दिखेगा। ओके, सब्जेक्ट्स के नेम अलग रहेंगे, ओके, बट सब्जेक्ट्स के अंदर मैथ्स ज्यादा रहेगा, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका वेक्टर्स वगैरह बहुत कुछ रहेगा। सो मैथ्स का स्कोर दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, सिटी का स्कोर बढ़ाने के लिए भी और 4 साल का इंजीनियरिंग सर्वाइव करने के लिए भी, ठीक है। थर्ड क्या है सर, अभी तक थोड़ा पढ़ पर उससे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए फ्रॉम जीरो से हीरो का स्ट्रेटजी बताओ, ये ऐसा बोल रहा है बच्चा। सो कुछ पढ़ा नहीं है तो पहला तो चीज रहता कैसा रहता है कि हमारा मेंटल कैसा बोलते ना, सोचने का तरीका कैसा हो गया, हम स्कोर पहले देखते सर इतना पड़ेगा, स्कोर होगा कि नहीं होगा। सो सोचो कम, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो मतलब उठाओ बुक, कोई भी फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, ठीक है, फिजिक्स उठाओ, एक चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर को पढ़ो मत, पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, आपको कुछ समझ रहा है क्या, कुछ नहीं समझ रहा है तो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ो। कैसा रहता है, आप बुक चैप्टर पढ़ोगे देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कम याद रहेगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, जब आपको लगेगा कि अरे भाई कुछ आ नहीं रहा है तो आप चैप्टर को और ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक फायदा हो जाता है कि हाँ भाई ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में ये इससे रिलेटेड टॉपिक आया तो मैं इस चैप्टर का वो सब टॉपिक पढ़ के रख लेता हूँ, ठीक है, और आपको बोर भी नहीं होगा। तो पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो चैप्टर के, ओके, और देन उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ो, और ध्यान में रखो टाइम कम है तो ज्यादा घाई भी मत करो, बस इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। बट सोचो कम, जितना ज्यादा सोचोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। आप एक ही चीज को लेके दिमाग में सोचोगे सर जेन्युइन स्कोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ज्यादा कोई भी चीज देखो ज्यादा टाइम सोचोगे ना तो आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस मत करो, सीधा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। और सबसे और मोर इम्पोर्टेंट, मैथ्स का स्कोर इम्प्रूव करो, मैथ्स ज्यादा सुधारो, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग सर, मैथ्स का स्कोर ऑलवेज गेटिंग 80, नॉट स्कोरिंग अबव 90+। सो देखो, अभी ये कैसा हो सकता है कि आपका मैथ्स का स्कोर 80 है, ये भी स्कोर अच्छा है, 80 है, ठीक है। समटाइम्स कैसे रहते हैं, जो मॉक टेस्ट का जो डिजाइन रहता है वो हमेशा आपको थोड़ा टफ लेवल रहता है कंपेयर टू सीटी लेवल, ओके। सो वो ऐसा रहता है कि बच्चों को ज्यादा लेवल के लिए प्रिपेयर करो, ट्रेन करो। मॉक टेस्ट का जो हर एक मॉक टेस्ट का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सो बच्चे का ज्यादा हार्ड के लिए प्रिपेयर रहे, तो एपीएमएसटी सीटी का पेपर इजी आया तो थोड़ा मीडियम आया तो उनको जो है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपको 80+ आ रहा है, आप एक बार चेक लिस्ट बनाओ कि आपने मैथ्स के लिए क्या क्या प्रिपेयर कर लिया। आपने 11th 12th का गवर्नमेंट बुक सॉल्व किया, ठीक है। गवर्नमेंट बुक्स में आपने सॉल्व प्रॉब्लम देखे, उसके सारे सॉल्व, अनसॉल्व और मिसलेनियस रहते हैं, बहुत सारे जो टेढ़े मेढ़े प्रॉब्लम रहते हैं ज्यादा मिसलेनियस में होते हैं, वो आपने चेक किया, आपने सारे प्रॉब्लम देख लिए। देन वेरीफाई करो साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज सारे देख लिए, ये भी एक सेकेंड चेकलिस्ट बनाओ। थर्ड, जो भी मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन, आपको 80 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 40 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे, 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो सारे मॉक टेस्ट के 10 क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो, और हमेशा नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले वो सारे मॉक टेस्ट को, ये क्वेश्चन जो 10 है उनको रिवाइज कर लो। 10 क्वेश्चन है, नहीं आया रहेगा तो उसको आपने देखा रहेगा आंसर, तो रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवाइज योर प्रीवियस मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और ऑप्शन बच जाता है मैथ्स को स्कोर बढ़ाने। रिवाइज प्रीवियस ईयर्स मॉक टेस्ट, सॉरी प्रीवियस नहीं, प्रीवियस मॉक टेस्ट गिवेन, ठीक है। एंड जस्ट मेन थिंग, आपका स्कोर कम आ रहा है, मोस्टली मुझे लग रहा है 11th के जो टॉपिक्स होंगे उसमें आपके मार्क्स आ रहे होंगे, तो इस 11th के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, कुछ देखो क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा जाए तो लास्ट 2 ईयर से 11th के क्वेश्चंस आ रहे, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल अप्रोक्स 8 to 12 क्वेश्चन ये लास्ट 2 ईयर में। सो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लो अपने बुक से, ठीक है। सो ये रिकमेंड करूंगा। एंड ओके, सो तो मैंने आई थिंक थर्ड वाला भी आपको जैसा कि बताया कि आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, सो स्टार्ट करो। पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो चैप्टर के, एंड देन चैप्टर एक बार पढ़ लो, और पढ़ के ऐसा मत करो जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो तो पहला वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लो, और रोज कुछ करो देखोगे तो ही होगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपका 9 आवर स्टडी होना चाहिए, 3 आवर्स मॉक टेस्ट, ठीक है। यदि आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, देखो यदि आपका पढ़ाई 50% हो गया है, देन ओनली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। 3 आवर्स मॉक टेस्ट, 3 आवर्स मिनिमम मॉक टेस्ट का एनालिसिस, एंड 3 आवर्स आपका ईच सब्जेक्ट, पीसीएम हो या पीसीबी हो, ये सब्जेक्ट का रिविजन होना चाहिए, एक एक घंटे का, एक एक घंटे का पीसीबी पीसीबी, ये 9 आवर्स मिनिमम आपका स्टडी डेली होना चाहिए एग्जाम से पहले। और यदि आपको लगता है कि आपका कुछ चैप्टर पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट थोड़ा वीक है, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, तो आप 9 आवर्स के ऊपर करो, बट ये मिनिमम बोला, बट मोस्टली बच्चे 9 आवर्स से ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, ठीक है। सो इतने ही क्वेश्चन है, हमेशा की तरह यदि आपको कोई और भी क्वेश्चन रहता है तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उसमें मेंशन करो, ठीक है। प्रिपरेशन से रिलेटेड सर क्या कैसा इम्प्रूव करे, कुछ भी गाइड चाहिए तो उसमें गूगल फॉर्म लिंक दिया हुआ, उसमें अपडेट करो, मैं नेक्स्ट जनरल टॉक में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट आज ये ट्वीट करो, यदि आपको एग्जाम पोस्टपोन करना है, और मास्ट ट्वीट करो 8 to 9 PM के बीच में करो, वीडियो को शेयर करो, ओके। मैंने 1 मिनट सुबह ही मैंने 1.5 मिनट का वीडियो बनाया था फॉर दिस ट्वीटिंग, सो मैंने उसका भी लिंक देके रखा है, उसको शेयर करो। सो मैक्सिमम जो बच्चे करेंगे ट्वीट तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो ऑफिशियल न्यूज आपको दे ही देगी, ये नहीं कि गवर्नमेंट अभी लास्ट हफ्ते में तो नहीं देगी, अभी तो आज 20 जून भी हो गया, नेक्स्ट 2 या 3 दिन में उधर कमेंट में यही लिखना, सर हमको एक ऑफिशियल डेट दो, एडमिट कार्ड का रिलीज का डेट, और एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाला है तो जस्ट फटाफट ऑफिशियल न्यू डेट दो, ओके। और हम क्या रोज ये डेली न्यूमर्स का न्यूज सुनते रहते, कोई बोलता है कि होगा एग्जाम, कोई बोलता है कैंसिल होगा, सो जस्ट गिव एन ऑफिशियल न्यूज। और अपना ये भी बताओ हेल्थ ओवर एग्जाम, आपका सोसाइटी में ऐसा इश्यू है, इतने सारे कोरोना कोरोना पेशेंट्स है, तो कैसे हम इस एग्जाम को टैकल करेंगे, ठीक है। सो जस्ट डू द ट्वीट टूडे 8 to 9 PM, आपके जो प्रॉब्लम्स है और इनको जरूर आपने इसमें रखना, इनको इनको टैग करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो सेशन।